आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, विकास रश्मि, विश्वास गुरुदेव का, विक्रम संवत 2020 का लाडनू मर्यादा महोत्सव, विकास के सलाका पुरुष आचार्य श्री तुलसी ने संघीय विकास को नए आयाम प्रदान करने हेतु निकाय व्यवस्था का प्रवर्तन किया। साध्वी प्रमुखा महासती लाडा जी की सहयोगिनी के रूप में 4 साध्वियों को निकाय व्यवस्थापिका पद पर नियुक्त किया। गुरुकुलवासी साध्वियों का बड़ा समूह छोटी इकाइयों में अलग अलग वर्गों में बढ़ गया। नए सिरे से सारी व्यवस्थाएं की गई। समुच्च की गोचरी, समुच्च की उदक सेवा, प्रतिलेखन आदि कार्यों का दायित्व अलग अलग साध्वियों को सौंपा गया। समुच्च का पानी लाने का काम साध्वी कनक प्रभा जी को सौंपा गया। साध्वी प्रमुखा पद पर प्रतिष्ठित होने के पहले दिन तक उन्होंने इस दायित्व को पूर्ण जागरूकता और निष्ठा के साथ निभाया। इस महत्वपूर्ण कार्य के माध्यम से उन्हें निरंतर गुरुदेव की निकट सन्निधि और विशेष उपासना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी गति, दृष्टि, वाणी, कार्य कौशल आदि के आधार पर उनकी योग्यता और आचार विचारगत निपुणता को जांचने परखने का गुरुदेव को भी उपयुक्त मौका मिला। जितनी बार, जितने प्रकार से गुरुवर ने उनको परखा, गुरु की नजरों में वे उत्तरोत्तर अधिक वजनदार साबित हुई। निकाय व्यवस्था प्रवर्तन के पश्चात गुरुदेव श्री डूंगरगढ़ पधार रहे थे। मार्गवर्ती गांव तोलियासर में विशाल धर्मसंघ का रात्रि प्रवास हुआ। प्रातःकाल विहार की जल्दी में साध्वियों द्वारा एक अक्षम्य प्रमाद हो गया। साध्वियों ने प्रातः पानी जांचा और विहार कर दिया। गुरुदेव के ध्यान में आया कि सूर्योदय का समय तो अब हुआ है, साध्वियों ने पानी लेकर विहार ही कर दिया है, यह कैसे? अगले गांव पहुंचकर पूछताछ करने पर निष्कर्ष निकला, प्रमादवश पानी सूर्योदय से पहले ही जांचा गया है और प्रतिलेखन भी समय से पूर्व किया गया है। अनुशासन की डोर कसते हुए आचार्य प्रवर ने पूछा, प्रतिलेखन का शब्द कौन करता है? उत्तर मिला, कोई नहीं। इस प्रमाद के लिए सब साध्वियों को उपालम मिला, प्रायश्चित मिला। व्यवस्था निकाय अग्रणी साध्वी जी को कड़े उपालम के साथ प्रायश्चित दिया गया। तत्पश्चात साध्वी कनक प्रभा जी को संबोधित कर आचार्य प्रवर ने फरमाया, कनक प्रभा, आज से प्रतिलेखना का समय सूचक शब्द तुम्हें करना है। उन्होंने विनय प्रणत हो गुरु आज्ञा को स्वीकार किया और वर्षों तक इस दायित्व को सजगता पूर्वक निभाया। इस प्रसंग से ज्ञात होता है गुरुदेव को उन पर अगाध विश्वास था। दायित्व उसे सौंपा जाता है जिसकी कार्य क्षमता पर विश्वास हो। विश्वास अर्जित किया जाता है कर्तव्य निष्ठा, समर्पण भावना और कार्य संपादन में जागरूकता द्वारा। गुरुदेव की दृष्टि में साध्वी कनक प्रभा जी का व्यक्तित्व सहेजी उक्त विशेषताओं से संपन्न था। संपादन की दिशा में उठा पहला कदम। विक्रम संवत 2021 के बीकानेर चातुर्मास में आचार्य प्रवर का इंगित प्राप्त कर उन्होंने हस्तलिखित मासिक संस्कृत पत्रिका पराग का संपादन किया। आज साहित्य जगत में उनका संपादन कौशल मूर्धन्य साहित्य मनीषियों द्वारा न केवल सराहा जा रहा है, अपितु सीखने की ललक पैदा कर रहा है। पराग का संपादन उनकी संपादन यात्रा का पहला कदम था, जिसने न केवल सफलता के शिखर का स्पर्श किया, अपितु अनेक अनेक नए शिखर स्थापित कर दिए। पराग पत्रिका का नया अंक जब जब संपादिका गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करती, गुरुदेव अति प्रसन्न होते, मार्गदर्शन प्रदान कराते तथा और अधिक विकास करने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करते। इस पत्रिका के माध्यम से अनेक साधु साध्वियों को संस्कृत भाषा में विशेष गति प्रगति करने का अवसर मिला। प्राकृत भाषा में विशेष अभ्यास और विकास करने के लिए उस वर्ष तरंगिणी नाम से एक मासिक हस्तलिखित पत्रिका का शुभारंभ भी हुआ। उसका संपादन साध्वी कनकश्री जी ने किया। यह क्रम 3 वर्ष तक चला।
फिर संस्कृत प्राकृत संयुक्त रूप से नीरज नाम की पत्रिका निकाली गई। उसका संपादन भी साध्वी कनक प्रभाजी ने किया। 2 वर्ष के इस प्रयास में साधु साध्वियों ने संस्कृत में अच्छा सर्जन कौशल प्राप्त किया। इसी वर्ष जैन विश्व भारती लाडनू द्वारा आयोजित जैन विद्या और दर्शन परिषद में साध्वी कनक प्रभाजी ने पहली बार अपना शोध पत्र पढ़ा। 4 वर्ष की दीक्षित साध्वी के गंभीर चिंतन, तार्किक मस्तिष्क और प्रौढ़ शैली ने राष्ट्रीय स्तर के मूर्धन्य विद्वानों को प्रभावित किया। सर्वत्र अच्छी प्रतिक्रिया रही, उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उसके बाद जब भी दर्शन परिषदें आयोजित हुई, साध्वी कनक प्रभाजी अपने शोध प्रबंधों के साथ सदा अपनी संभागिता दर्ज कराती रही। विक्रम संवत 2022 के दिल्ली चातुर्मास से पूर्व उन्होंने आचार्य श्री तुलसी के प्रवचनों का लेखन शुरू किया। उनकी भाषा, शैली और प्रभाव तीनों प्रभावोत्पादक थे। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, 15 माह तक यह क्रम चला। उनके द्वारा वह लिखित प्रवचन संकलन संपादित होकर बूंद बूंद से घट भरे नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इस प्रथम संपादन ने तुलसी प्रवचन साहित्य के संपादन की सुदृढ़ और भव्य पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। प्रवचन लेखन और संपादन की यात्रा अंत प्रेरणा से निरंतर गतिशील रही। आगम संपादन कार्य में नियुक्ति। दिल्ली चातुर्मास के पश्चात शेष काल में गुरुदेव का सरदार शहर में प्रवास हुआ। साध्वी कनक प्रभाजी के गंभीर अध्ययन और सूक्ष्मग्राही मेघा का मूल्यांकन करते हुए गुरुदेव ने उन्हें आगम संपादन के कार्य में नियोजित किया। अनुयोग द्वारा जैसे गंभीर आगम ग्रंथ का हिंदी अनुवाद और टिप्पण लेखन कर उन्होंने शुद्ध ज्ञान की निर्मलता का परिचय दिया। शुद्ध सागर के मंथन का प्रथम प्रयास भी उनके लिए उपलब्धि भरा रहा। उसके बाद आगम सिंधु की अतल गहराई में उतरकर उन्होंने अनेक रहस्य रत्न प्राप्त किए और संघ के साहित्य भंडार को समृद्ध किया। विक्रम संवत 2023 के बिदासर चातुर्मास में आचार्य प्रवर की पावन सनिधि में आयारों की वाचना प्रदान की गई। व्याख्याकार थे महान सूत्रधर आगम मनीषी मुनिश्री नथमल जी स्वामी। उस आगम वाचना में गुरुदेव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त कुछ चुने हुए साधु साध्वियों को ही प्रवेश मिला था। प्रत्येक अध्ययन की समाप्ति पर एक लेख लिखना और उसका वाचन करना सब अध्येताओं के लिए अनिवार्य था। निबंधों की प्रस्तुति के पश्चात मुनिश्री सबकी समीक्षा करते और उचित मार्गदर्शन प्रदान करते। उन्होंने समीक्षा के दौरान कई बार कहा, कनक प्रभा जी के लिखने का क्रम ठीक है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता का अर्जन, योग्यता का संवर्धन और ऊर्जा का सृजनात्मक दिशा में सम्यक नियोजन करता है, उसकी मूल्य प्रतिष्ठा अपने आप होती है। कहते हैं, जहाँ सिद्धि है वहाँ प्रसिद्धि है, जहाँ निष्ठा है वहाँ प्रतिष्ठा है। साध्वी कनक प्रभा जी की आत्मनिष्ठा और ध्येय निष्ठा ने गुरु दृष्टि में उन्हें सुप्रतिष्ठित कर दिया। एक साधारण सा उदाहरण है जो उनकी योग्यता और गुरु कृपा की असाधारणता को उजागर करने वाला है। दिल्ली चातुर्मास के पश्चात विक्रम संवत 2022 का मर्यादा महोत्सव हिसार में होने वाला था। मर्यादा महोत्सव से पूर्व हांसी में विद्यार्थी साधु साध्वियों की वार्षिक परीक्षाएं निर्धारित थी। करुणा के महासागर गुरुदेव ने अध्ययन और परीक्षा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी साध्वियों को भिवानी से सीधे हांसी जाने का निर्देश प्रदान किया। उन्हें पढ़ाने के लिए साध्वी मंजुला जी, कनक श्री जी, कनक प्रभा जी आदि साध्वियों को भी भेजा। हरियाणा के अनेक क्षेत्रों का स्पर्श कर आचार्य प्रवर हांसी पधारे। पूर्व प्रवासित सब साध्विया गुरु वंदन के लिए गई। आगे आने की मनोवृत्ति या महत्वाकांक्षा से सर्वदा दूर रहने वाली कनक प्रभा जी पीछे खड़ी थी। फिर भी गुरुदेव की दृष्टि ज्यों ही उन पर पड़ी, उन्होंने अनिर्वचनीय वात्सल्य बरसाते हुए पूछा, कनक प्रभा का मन लगा कि नहीं लगा? आराध्य के अनुग्रह अमृत का अभिसिंचन पा, कनक की आभा सद्गुणित हो दमकने लगी। मन की मुरझाई कलियां विहस उठी। अनेक साध्वियों ने उत्फुल्ल व विस्मित नयनों से निहारा गुरु की अगाध कृपा
और शिष्या के मौन समर्पण का अद्भुत नजारा। अचिंत्य होती है गुरु की महिमा, गुरु की पारदर्शी दृष्टि शिष्य की छिपी अर्हता को परखती है, उभारती है। विक्रम संवत 2023 के बिदासर चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव के पश्चात अनुव्रत अनुशासना आचार्य श्री तुलसी की विशाल धर्म संघ के साथ ऐतिहासिक दक्षिण भारत की पदयात्रा का श्री जिनेश हुआ। मातृ श्री वदना जी का बिदासर स्थिर वास था। गुरुदेव सुदूर प्रदेशों की यात्रा के लिए प्रस्थित हो रहे थे। वयोवृद्ध मातृश्री की चित्त समाधि हेतु साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी को बिदासर मातृश्री की सेवा में रखाया। साध्वी श्री सुंदर जी, कनक श्री जी, यशोधरा जी आदि 13 साध्विया साध्वी प्रमुखा श्री जी के साथ बिदासर रही। शासन गौरव साध्वी श्री कमलू जी जयपुर, साध्वी श्री संगमित्रा जी, साध्वी श्री कान कुमारी जी, साध्वी श्री मंजुला जी आदि साध्वियों को गुरुदेव के साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन सौभाग्यशालिनी साध्वियों में एक थी साध्वी कनक प्रभा जी। उनके लिए यह यात्रा विशेष उपलब्धियों से भरी रही। विकास के एक एक पायदान पर चरण न्यास करते हुए उन्होंने उन अछूती ऊंचाइयों का स्पर्श किया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। विक्रम संवत 2024 में दक्षिणापथ की यात्रा का पहला चातुर्मास अहमदाबाद गुजरात में हुआ। अन्यान्य बहुमुखी प्रवृत्तियों की अति व्यस्तता में भी गुरुदेव की निर्माणशाला में व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया अविराम चलती रहती थी। नित नए प्रयोगों द्वारा विकास यात्रा में नए नए उन्मेष आते रहते थे। व्यक्तित्व विकास का एक अंग है अभिव्यक्ति की क्षमता। विचार अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है वक्तृत्व और लेखन। लेख कैसे लिखना चाहिए इस विषय पर आचार्य प्रवर के सानिध्य में मुनि श्री नथमल जी ने सघन प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। अभ्यास क्रम में साध्विया विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर प्रस्तुत करती। मुनि श्री उनका अवलोकन कर समीक्षा करते। लेखन की खामियां और खूबियों दोनों का उल्लेख कर उचित मार्गदर्शन प्रदान करते। इस क्रम में साध्वी कनक प्रभा जी ने भी 10 धर्मों पर 10 लेख लिखे और वे लेख मुनिश्री की भाषा में सराहनीय रहे। पहला उपन्यास, सफलता और महानता सदा हाथ मिलाकर साथ साथ चलती हैं। महान वह नहीं होता जो कुछ करने के लिए बड़े अवसरों की प्रतीक्षा करता रहता है, अपितु महान वह बन जाता है जो छोटे छोटे अवसरों का लाभ उठाना जानता है, जो समय की सांकल को अपने हाथ में रखता है, जिस समय जो करना है उसे निश्चित समय पर संपादित करके ही विराम लेता है। समय देवता उसकी झोली में ढेर सारे उपहार स्वयं डाल देता है। साध्वी कनक प्रभा जी प्रारंभ से ही समय नियोजन में दक्ष थी। एक क्षण भी प्रमाद में खोना उनके स्वभाव में नहीं था। बेंगलोर चातुर्मास में उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि सायकालीन भोजन के पश्चात जितना भी समय मिलेगा वह चाहे 5 मिनट 10 मिनट का हो या आधा घंटा का, उसका उपयोग साहित्य साधना में करना है, कुछ नया सृजन करना है। लक्ष्य निर्धारण पूर्वक संकल्पित चेतना ने क्षण क्षण का उपयोग किया और एक साहित्यिक कृति निर्मित हो गई। वह है टूटती नाव उपन्यास। कनक प्रभा जी अच्छा लिखती हैं। बेंगलोर में ही गुरुदेव ने उन्हें अनुव्रत पाक्षिक के लिए प्रश्नोत्तर लिखने का निर्देश प्रदान किया। व्यक्तिक, सामाजिक और जागतिक समस्याओं के संदर्भ में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आचार्य प्रवर उत्तर प्रदान करते। उन प्रश्नोत्तर को व्यवस्थित रूप से लिखकर वे मुनिश्री नथमल जी स्वामी को दिखाती। मुनिश्री ने आचार्य प्रवर के चरणों में निवेदन किया, कनक प्रभा जी अच्छा लिखती हैं, इनके द्वारा लिखी गई सामग्री में मुझे बहुत कम संशोधन करना पड़ता है। गुरुजनों के आशीर्वाद और कृपा प्रसाद में पोषण प्राप्त कर उनकी लेखनी अविराम चलती रही। अनुव्रत के संदर्भ में लेखन की यह यात्रा साध्वी प्रमुख का बनने तक निरंतर चालू रही। अनुव्रत गति प्रगति और अनुव्रत के आलोक में यह दोनों महत्वपूर्ण कृतियां उसी यात्रा की निष्पत्ति हैं। अनुव्रत दर्शन उसकी पृष्ठभूमि तथा जीवन और जगत की संवेदनशील समस्याओं के समाधान में प्रस्तुत आचार्य श्री तुलसी के कालजयी चिंतन को समझने के लिए ये दोनों पुस्तकें दीप स्तंभ का कार्य कर सकती हैं।
28 तप, अध्ययन, अध्यापन और साहित्य सृजन की त्रिवेणी में निमज्जन करते करते साध्वी कनक प्रभा जी के अंतकरण में 28 तप करने की भावना जागी। व्यक्तित्व विकास के लिए अपेक्षित हैं सहिष्णुता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और धृति मनोनियामिका शक्ति। तपोयोग से इन शक्तियों का प्रस्फोट होता है। काय सिद्धि और भाव शुद्धि के लिए भी तप अनिवार्य है, यद्यपि तपस्या करना उनकी शारीरिक प्रकृति के कम अनुकूल है। सैद्धांतिक भाषा में कहे तो तपोवीर्य का शयोपशम कम है, फिर भी जिनका संकल्प सुदृढ़ होता है उन्हें चट्टाने भी रास्ता दे देती हैं। साध्वी कनक प्रभा जी की संकल्प शक्ति इतनी प्रखर है कि वे जो निश्चय कर लेती हैं उस कार्य को पूरा करके ही विराम लेती हैं। उन्होंने 28 तप प्रारंभ किया। उनका प्रभाव और चुंबक के आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि इस तपोयोग की आराधना में उनके साथ सात छोटी साध्वियां और तैयार हो गई। साध्वी कनक प्रभा जी के लिए वह तपस्या कष्ट कर रही, पर साथी साध्वियों के लिए सहज सुखद व आनंददायी बन गई। संभवतः इसीलिए कि उन्होंने कनक प्रभा जी जैसी समर्थ साध्वी का सहारा जो ले लिया था। इस सामूहिक अष्टानिक तप अनुष्ठान के उपलक्ष में श्रद्धे आचार्य प्रवर ने आठों साध्वियों का नामोल्लेख करते हुए अपनी डायरी में लिखा, इन दिनों आठ छोटी साध्वियों ने एक साथ 28 तप किया है। 28 तप करने वाली साध्वियों के नाम हैं साध्वी कनक प्रभा, ललित प्रभा, कनक लता, मंजू बाला, मंजू रेखा, मधु रेखा, जिन रेखा और उषा कुमारी। छोटी उम्र और शरीर से दुबली पतली होने पर भी इनका मनोबल मजबूत है। तपस्या के दौरान कुछ बाधाएं भी आई, पर इनमें से एक भी साध्वी विचलित नहीं हुई। इन्हें देखकर हमारी ये धारणा बन गई कि शरीर बल से भी अधिक मूल्य मनोबल का है। साधुचर्या का पालन भी पुष्ट मनोबल के आधार पर ही संभव बनता है। मोर का आक्रमण। बेंगलोर चातुर्मास संपन्न कर अनुव्रत अनुशास्ता ने मैसूर राज्य के गांवों नगरों में अनुव्रत की ज्योति प्रज्वलित की। हैदराबाद पधारने के लक्ष्य से आंध्र प्रदेश की यात्रा प्रारंभ हुई। 20 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में प्रवेश हुआ। दिसंबर के अंतिम दिन अनंतपुर पधारे। वहां से सीधे हैदराबाद पहुंचने का प्रोग्राम था, किंतु मैसूर वासियों के विशेष अनुरोध पर गुरुदेव ने 150 मील का चक्कर लेकर कर्नाटक के सिंधनूर, सोरापुर, यादगीर आदि क्षेत्रों में परिवर्जन का निर्णय लिया। सोरापुर पधारते हुए आचार्य प्रवर ने 11 जनवरी 1970 को तीन तीन गांव के पीडब्ल्यूडी के बंगले में प्रवास किया। बंगला एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ था। पहाड़ी की तराई में एक विशाल मंदिर था, लगभग 800 वर्ष पुराना। मंदिर के नीचे विष्णु की प्रतिमा और ऊपर दरगाह होने के कारण वह मंदिर हिंदू और मुसलमान दोनों का तीर्थ स्थल या आस्था केंद्र बना हुआ है। साध्वियों और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था इसी मंदिर में की गई थी। मंदिर से संलग्न ही एक छोटी सी दरगाह है। उसके बरामदे में आदर्श साहित्य संघ के कार्यकर्ता रुके हुए थे। वहां एक मोर था, उसने कार्यकर्ताओं को तंग करना शुरू कर दिया। कमलेश जी चतुर्वेदी उस दरगाह के पास बनी एक छतरी के नीचे बैठ अपने लेखन कार्य में संलग्न थे। इतने में वह मोर बुरी तरह हांफता हुआ चतुर्वेदी के चारों ओर चक्कर काटने लगा। मोर की जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखें अंगारे बरसा रही थी। कमलेश जी घबरा गए, अपना सामान संभाला और सामने वाले मैदान में बैठ गए। उधर साध्वियों का स्थान भी सीमित था। अध्ययनशील और एकांत प्रिय साध्वी कनक प्रभा जी छतरी को खाली देख पढ़ने के लिए वहां पहुंच गई। छतरी के नीचे पत्थर पर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने अध्ययन में तल्लीन हो गई। दो तीन अन्य साध्विया भी उनके आसपास बैठकर अपने पढ़ने लिखने में व्यस्त हो गई। साध्वियों को वहां देख कमलेश चतुर्वेदी ने उन्हें सावचेत कर दिया कि वह मोर बहुत शरारती है। उसने परेशान होकर, मुझे भी वह स्थान छोड़ना पड़ा। आप भी स्थान छोड़ दे, अन्यथा कोई भी कठिनाई उपस्थित हो सकती है। साध्वी कनक प्रभा जी ने सोचा कमलेश विनोद कर रहा है। उन्होंने भी विनोदी मुद्रा में कहा,
तुम लोगों को जगह चाहिए तो हम अभी खाली कर देती हैं, वरना मोर बेचारा हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हम किसी की असातना नहीं करती, सबके प्रति हमारे मन में मैत्री भाव है। अच्छा महाराज कहकर कमलेश जी चले गए, किंतु उन्हें बार बार यह आशंका सता रही थी कि मोर कहीं साध्वियों पर आक्रमण न कर दे। मोर कुछ समय तक साध्वियों के आसपास घूमता रहा, अवसर पाकर अध्ययन में निमग्न साध्वी कनक प्रभा जी पर झपटा, उनकी गर्दन को अपने पंजों से दबोचकर चोंच से प्रहार करने लगा। साध्वी जी के ललाट से खून की धारा बहने लगी, कपड़े खून से लथपथ हो गए। इस अप्रत्याशित आक्रमण से साध्विया स्तब्ध रह गई। फिर भी साध्वी कनक प्रभा जी ने पूरी सावधानी के साथ अपने दोनों हाथों से दोनों आंखें ढक ली, इससे आंखों का बचाव हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया यह छत्री किसी फकीर या हिंदू सन्यासी की समाधि है, मोर सदा यहीं रहता है, दर्शनार्थियों को अंदर जाने देता है किंतु यहाँ किसी को बैठने नहीं देता। यदि कोई मोर के संकेत को उपेक्षित कर यहाँ बैठ जाता है तो मोर उसकी आंख निकाल लेता है। आप यह तो खैर समझिए कि साधारण चोट से ही बचाव हो गया, आंख को कुछ भी हो जाता तो कितना बुरा होता। मोर के आक्रमण से साध्वी कनक प्रभा जी के ललाट के बीचों बीच गहरा गड्ढा हो गया। सबने कहा आज्ञा चक्र खुल गया है, किसी ने कहा यह भाग्योदय का सूचक है। कुछ भी हो, साध्वी कनक प्रभा जी का भाग्योदय समूचे तेरापन साध्वी समाज का भाग्योदय बन गया। जब गुरुदेव श्री तुलसी ने उन्हें साध्वी प्रमुख का पद पर प्रतिष्ठित कर साध्वी समाज के नवोदय का दायित्व उन्हें सौंपा, आचार्य प्रवर के कवि मानस ने इस घटना प्रसंग को काव्य की भाषा में इस प्रकार उकेरा। डाक बंगला एक ऊंचा सा, नीचे मंदिर एक, हिंदू मुस्लिम संस्कृति संगम, दृश्य लगा सविवेक। मजदिन मत मयूर ने टपके मारी टांच, कनक प्रभा लेखन निरत हुई शक्ति की जांच। फण फैलाए फणी, साध्वी कनक प्रभा जी के उज्जवल भविष्य का संकेत देने वाली एक दूसरी रोमांचक घटना और घटित हुई। दक्षिण यात्रा से राजस्थान की ओर आते हुए यात्रा पथ में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में यात्रा संघ का पड़ाव था। साध्विया एक छोटे से स्कूल में रुकी हुई थी। रात्रि के लगभग 9 बजे होंगे, साध्वी कनक प्रभा जी हाथ में पुस्तक लिए बरामदे की दीवार से सट कर खड़ी थी और कुछ पढ़ रही थी। अचानक किसी ने देखा एक बड़ा सा सांप उनके सिर पर फण फैलाए दीवार से नीचे लटक रहा था। ज्यों ही साध्वी जी को सावधान किया गया तो हलचल हुई और सांप दीवार के भीतर घुस गया। चर्चा के प्रसंग में कमलेश जी चतुर्वेदी ने टीपू सुल्तान का ऐतिहासिक घटना प्रसंग सुनाते हुए कहा, सांप फण फैलाकर जिसे संरक्षण प्रदान करता है वह तो सम्राट बनता है। साध्वी कनक प्रभा जी ने इस बात को भी मजाक समझते हुए विनोद के लहजे में कहा, तो क्या मैं साम्राज्ञी बनूंगी? और वे संकोचवश अपने में ही सिमटती सिकुड़ती हुई अपने रूम में साध्वियों के पास चली गई। उस समय किसने कल्पना की थी कि फण फैलाए फणी जिनके मस्तक पर छत्र ताने हुए हैं उनकी बहुत जल्द ताजपोशी होने वाली है, उन पर अकल्पित बड़ा दायित्व आने वाला है। पहला ऐतिहासिक यात्रा ग्रंथ। दक्षिण यात्रा के दौरान साध्वी कनक प्रभा जी ने एक संकल्प किया था कि लेखन के क्षेत्र में जो भी कार्य सामने आएगा उसे उपेक्षित नहीं करूंगी। इस संकल्प की पृष्ठभूमि में किसी बड़े ग्रंथ के लेखन की परिकल्पना उनकी नहीं थी। संभवतः उनका लक्ष्य निबंध लेखन और काव्य रचना के दायरे को विस्तार देना था, किंतु जिस पर गुरु कृपा और सरस्वती का वरदान बिना मांगे बरसता हो उसके द्वारा कब कौन सा कल्पनातीत कार्य संपादित हो जाए कहना कठिन है। महान धर्माचार्य आचार्य श्री तुलसी राजनांद गांव मध्य प्रदेश के निकट एक छोटे से देहात में अपने विशाल धर्म परिवार के साथ विराज रहे थे। साध्विया उपासना में बैठी थी, उन्हें लेखन क्षमता के विकास की प्रेरणा देते हुए आचार्य प्रवर ने कहा, साहित्य की अनेक विद्याएं हैं, नई पुरानी हर विद्या में साध्वी समाज प्रगति करे यह मेरी प्रबल भावना है। प्रसंग आगे बढ़ा, दक्षिण भारत की ऐतिहासिक यात्रा के
लेखन का निर्णय हुआ, किंतु यह गुरुतर दायित्व किसे दिया जाए। उन्होंने वात्सल्यपूर्ण नयनों से साध्वी कनक प्रभा जी की ओर निहारा तथा उक्त निर्णय के क्रियान्वयन का निर्देश उन्हें प्रदान किया। अनिर्वचनीय आहार और अहोभाव की अनुभूति के साथ साध्वी श्री जी ने गुरुदेव के निर्देश को सिरोधारी किया। इस अप्रत्याशित निर्देश और निर्णय से वे दिन भर अज्ञात पुलकन से भरी रही एवं एक सफल लेखिका बनने के सपने में खोई रही। सपनों के नब में उड़ान भरकर जब यथार्थ के धरातल पर कदम रखे तो उन्हें इस कार्य की दुर्बलता का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने गुरुदेव के निर्देश को स्वीकार तो कर लिया, किंतु यात्रा साहित्य के लेखन का कार्य इतना सहज तो नहीं है। आचार्य प्रवर की 4 वर्षीय दक्षिण यात्रा के 3 साल संपन्न हो गए हैं। राजस्थान से चलकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश, पौंडिचेरी आदि का परिभ्रमण कर आप मध्य प्रदेश पहुंच गए। अब उड़ीसा की सीमित यात्रा संपन्न कर रायपुर चतुर्मास के पश्चात पुनः राजस्थान लौटने वाले हैं। इस अवशिष्ट यात्रा को लेखनी का विषय बनाना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है अतीत के 3 वर्षों की यात्रा की प्रामाणिक सामग्री को जुटाना और उसको ऐतिहासिक ग्रंथ का रूप देना। उन्होंने यह भी सोचा कि गुरुदेव के महान अनुग्रह से मुझे दक्षिण भारत की पूरी यात्रा में साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर भी मैंने वहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति से परिचित होने का सलक्ष्य प्रयास नहीं किया। उन तथ्यों के समाकलन और समावेश के बिना यात्रा ग्रंथ अपूर्ण रहेगा। अनेक ऐसे नए तथ्य एवं प्रेरक प्रसंग छूट जाएंगे जो मेरी मति, स्मृति, दृष्टि और अनुभूति से परे रह गए हैं। उन्होंने अपनी दुविधा गुरुचरणों में निवेदित की। आचार्य प्रवर ने कहा, तुम्हारा चिंतन और कथन सर्वथा उचित हैं। प्रारंभ से ही यदि यात्रा लेखन का लक्ष्य और दृष्टिकोण निर्मित हो जाता तो उपयुक्त तथ्यों के संग्रहण और चयन में सुविधा रहती। फिर भी अब अपने संकल्प और परिश्रम के बल पर सहायक सामग्री जुटाओ, उसका उपयोग करो, रास्ता स्वयं बन जाएगा। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन से उनका आत्मविश्वास बढ़ा, वे पूरे मनोयोग से यात्रा लेखन में जुट गई। आचार्य प्रवर का साक्षात मार्गदर्शन तथा विज्ञप्ति, जैन भारती आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित यात्रा संबंधी संवादों के आधार पर अपनी साहित्यिक प्रतिभा, परिष्कृत भाषा तथा आकर्षक शैली का भरपूर उपयोग करते हुए उनकी साहित्य साधना अपने सुनहरे रंग और मोहक सुगंधियां बिखेरने लगी। इसी बीच आचार्य प्रवर का निर्देश मिला कि पदयात्रा के साथ यात्रा लेखन हेतु पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम सीधे रायपुर चली जाओ। हम उड़ीसा की यात्रा कर रायपुर ही आ रहे हैं, तब तक तुम्हारा काम काफी आगे बढ़ जाएगा। एक जगह रहकर लिखने से समय और सुविधा की पर्याप्त उपलब्धि हो सकती है। यह जानते हुए भी सीधा रायपुर जाने के लिए उनका मानस तैयार नहीं हुआ। उनका दृढ़ विश्वास था, ऊर्जा केंद्र से प्रत्यक्ष मिलने वाली प्राण ऊर्जा ही मेरे सृजन क्रम में नई स्फूर्णा का संचार करती है। गुरुदेव की सन्निधि में रहकर मैं सहजतापूर्वक जितना कार्य कर सकती हूँ उतना कार्य दूर रहकर कभी भी नहीं कर सकती। गुरुदेव की पारदर्शी दृष्टि ने उनकी मानसिकता को परखा और पदयात्रा में अपने साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी। पदयात्रा हो या प्रवास, उनकी सृजन यात्रा निर्बाध चलती रही। निर्धारित समय से पहले ही एक उत्कृष्ट कोटि का यात्रा ग्रंथ जनता के हाथों में आ गया। उसका नाम है आचार्य श्री तुलसी दक्षिण के अंचल में। विद्वानों की दृष्टि में यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ यात्रा साहित्य की अमूल्य धरोहर है। प्रस्तुत ग्रंथ की समीक्षा करना अभी प्रासंगिक नहीं है, किंतु लेखिका ने यात्रा से संबंधित तथ्य कथ्य की जिस कलात्मक शैली में अभिव्यंजना की है वह अनूठी है। सीमित शब्दों में असीमित सार उंडेल देना उनकी विलक्षण प्रतिभा की पहचान है। आचार्य प्रवर की दक्षिण यात्रा के उद्देश्य को कितने मार्मिक ढंग से उकेरा है लेखिका ने। आचार्य श्री ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण यात्राएं की हैं। हर यात्रा अपने आप में अपूर्व है, किंतु दक्षिण भारत की अपूर्वता कई दृष्टियों से प्रमाणित है।
दक्षिण भारत की प्रकृति उदार है और वहाँ का मनुष्य श्रमशील है। उदारता और श्रमशीलता के अद्भुत योग से वहाँ कहीं हरित क्रांति हो रही है तो कहीं श्वेत क्रांति। कोलार गोल्ड फील्ड की पीत क्रांति में मजदूरों के श्वेत बिंदु मुखर हो रहे हैं। इन क्रांतियों के मध्य धर्म क्रांति का मंगल उद्घोष सुनाने के लिए आचार्य श्री तुलसी अपने साधु साध्वी परिवार के साथ दक्षिण भारत में पहुंचे। प्रस्तुत ग्रंथ के आशीर्वचन में स्वयं आचार्य श्री ने लेखिका और उसके द्वारा लिखित प्रथम यात्रा ग्रंथ के बारे में जो लिखा है वह लेखिका की क्षमता और उसके लेखन क्रम की मूल्यवत्ता को स्थापित करने में पर्याप्त हैं। मननीय हैं ये पंक्तियाँ। मेरी दक्षिण यात्रा के दैनदिन घटना प्रसंगों को व्यवस्थित और समग्र रूप से संकलित किया जाता तो न जाने कितने यात्रा ग्रंथ निर्मित हो जाते, किंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मैंने साध्वी कनक प्रभा को यह निर्देश यात्रा के अंतिम चरण में दिया था। यात्रा के प्रारंभ में ही यदि उसे कोई निर्देश मिल जाता तो वह अपने लेखन को अधिक सजीव और सक्षम बना सकती थी, पर सच तो यह है कि उस समय मुझे लेखिका पर इतना भरोसा नहीं था। उसकी संकोचशील वृत्ति, कम बोलने की प्रवृत्ति और अपने आप को अनभिव्यक्त रखने की मनोवृत्ति ने उसको सही रूप से समझने ही नहीं दिया। फिर भी मेरे संकेत को क्रियान्वित करने की तत्परता उसमें सदा से थी। यही कारण है कि उसने बहुत कम समय में लगभग 1000 पृष्ठों का आलेख कर दक्षिण भारत की स्मृतियों को सुरक्षित रख लिया। यात्रा विवरण की यात्रा करते समय अतीत के घटना प्रसंग स्मृतियों के दर्पण पर अपना प्रतिबिंब ही नहीं छोड़ते, एक साक्षात अनुभूति को तरंगित कर देते हैं। मैं स्वयं जब इसे पढ़ता हूँ तो प्रतीत होता है कि इस समय भी मैं दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। इस प्रतीति के पीछे दो हेतु हैं, तथ्यों की सांग्रहकता और शैलीगत सरसता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धर्म संघ में यात्रा संबंधी यह प्रथम ग्रंथ होगा जो अतीत के इतिहास को सुरक्षित रख देता हुआ भविष्य में मार्गदर्शन का काम करेगा। इस प्रथम यात्रा ग्रंथ के लेखन के पश्चात उनके द्वारा लिखे गए यात्रा ग्रंथों ने लेखिका को साहित्य जगत में श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण इसी ग्रंथ के लेखन से हुआ। संकेत नए दायित्व का। 19 अप्रैल 1970 को महावीर जयंती की रात्रि में साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी का लंबी बीमारी के पश्चात बिदासर में स्वर्गवास हो गया। उस समय आचार्य प्रवर आंध्र प्रदेश की पदयात्रा संपन्न कर महाराष्ट्र में परिवर्जन करते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले थे। देवरी महाराष्ट्र विश्राम गृह में आचार्य प्रवर का प्रवास था। वहां आपको ये संवाद मिला। महाराष्ट्र की सीमा के अंतिम छोर पर बसे छोटे से गांव में ऐतिहासिक स्मृति सभा आयोजित हुई। उस समय आचार्य प्रवर ने फरमाया, साध्वी प्रमुखा लाडा जी के स्वर्गवास से साध्वियों में एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हो गया है। इस रिक्तता ने मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, उसके बारे में मुझे चिंतन करना पड़ेगा। गुरुदेव के चिंतन की यात्रा संभवतः पहले से ही शुरू हो गई थी। धर्म संघ की लाखों आंखें गुरुदेव की दृष्टि पर केंद्रित थी कि इस नजरों में कौन सी साध्वी के व्यक्तित्व का कितना वजन है। सबके दिल दिमाग पर एक अनुत्तरित प्रश्न छाया हुआ था कि स्वर्गीय साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी के बाद कौन। इस प्रश्न का उत्तर गुरु गम्य था। गुरु के इंगित को समझना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, फिर भी संकेत की भाषा उक्त प्रश्न को यदा कदा समाधान के निकट भी पहुंचा देती है। यात्रा के दौरान एक बार आचार्य प्रवर ने साध्वी कनक प्रभा जी से कहा, तुम निर्दिष्ट काम को पूर्ण समर्पित भाव व तत्परता से करती हो, अब स्वयं जिम्मेदारी लेकर भी कुछ करना शुरू करो। संभव है यह भावी व्यवस्था का पूर्व संकेत हो। रायपुर चातुर्मास प्रारंभ हुआ। आचार्य प्रवर ने साध्वियों को अलग अलग कार्य सौंपे। आचार्य प्रवर की उपासना में आने वाले दर्शनार्थी यात्रियों से संपर्क परिचय का दायित्व साध्वी कनक प्रभा जी को सौंपा गया। एकांत प्रिय होने के कारण यह कार्य उनकी रुचि का विषय तो नहीं था, फिर भी गुरु आज्ञा को अधिमान देते हुए उन्होंने वह दायित्व भी निष्ठापूर्वक निभाया।
संघ के कैनवास पर जिस तस्वीर को उभारना और स्थापित करना था, आचार्य प्रवर उक्त दायित्व के माध्यम से मानो संघ को उसकी झलक देना चाहते थे। वक्तृत्व विकास। यात्रा या प्रवास काल में रात्रिकालीन कार्यक्रम प्राय साध्वियों के सानिध्य में हुआ करते थे। व्यवस्थापिका साध्वियों के निर्देश से उन कार्यक्रमों का संचालन संयोजन प्राय साध्वी कनक प्रभा जी ही किया करती थी। इससे अध्ययनशीलता के साथ उनके वक्तृत्व और विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता भी दिनों दिन विकसित होने लगी। कुशल प्रशिक्षिका। अध्ययन, लेखन और अन्यान्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी उन्होंने अध्यापन कार्य में अपने समय व शक्ति का सम्यक नियोजन किया। प्रतिदिन कम से कम 2 क्लास प्राय साध्वियों को पढ़ाने हेतु देती थी। इसके अलावा साध्वियां उनके पास कभी भी पढ़ने, पूछने या निबंध, कविता आदि के संशोधन हेतु आती तो वह बड़े आत्मभाव से उनका सहयोग करती। इस कार्य में चाहे जितना समय लगे, किसी को ना कहने का तो मानो उन्हें संकल्प जैसा था। मेरे पास समय नहीं है, ये शब्द कभी उनके मुख से नहीं निकलते। विद्यार्थी या जिज्ञासु साध्वियों को कभी निराश नहीं लौटाती। काव्य रचना या निबंध लेखन के अभ्यास क्रम में छोटी साध्वियां प्राय उन्हीं के पास आती थी। वे उनकी रचनाओं का निरीक्षण कर न केवल उचित सुझाव ही देती अपितु तत्काल अपेक्षित संशोधन भी कर देती थी। उनके द्वारा खींची गई वे लकीरें जहां सेक्स साध्वियों की रचनाओं में प्राण फूंक देती थी, वहीं उनके भविष्य की सुनहरी रेखाएं बनकर भी उभर रही थी। चेतना का दर्पण। सतत ज्ञान उपयोग, सेवा भावना, निश्चलता, चारित्रिक निर्मलता आदि के कारण उनकी चित्त चेतना उत्तरोत्तर निर्मल होती जा रही थी। चेतना के स्वच्छ दर्पण में अतीत अनागत की ज्ञात अज्ञात घटनाओं के प्रतिबिंब, प्रेरणा या रहस्य संकेतों की अभिव्यंजना भी असंभव नहीं है। आचार्य प्रवर का रायपुर चातुर्मास अग्नि परीक्षा के विरोध में उत्पन्न संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण चातुर्मास के मध्य ही विहार की घोषणा हो गई। विहार की तैयारी में प्राय सभी साध्वियों ने परिहार्य वस्तुएं यथास्थान संभला दी। साध्वी कनक प्रभा जी ने न कोई चीज संभलाई, न अपना सामान व्यवस्थित किया और न किसी प्रकार की तैयारी की। इसका कारण था संभवतः कोई अज्ञात संकेत कि अभी विहार नहीं होगा। जब साध्विया कहती विहार होने वाला है, आपके पुस्तक पन्ने अभी तक व्यवस्थित नहीं हुए हैं, तो वे कहती जिस दिन विहार होगा उसी दिन देखूंगी। आखिर ठीक समय पर विहार स्थगित हो गया। उनको न पारिहार्य वस्तुएं लौटानी पड़ी और न अपेक्षित वस्तु लानी पड़ी। वे अव्यग्र मना अपनी प्रशस्त चर्या में लीन रही। यही धृति और संतुलित मानसिकता ही योग्यता की प्रथम कसौटी होती है। दर्पण भी प्रतिबिंब तभी ग्रहण करता है जब वह स्थिर होता है। चंचल दर्पण में वह क्षमता नहीं होती। ओम अरहम।